नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से एक्सिस आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 11 की एनसीईआरटी पॉलिटी देख रहे हैं, भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार। इसके दो चैप्टर, यानी पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान क्यों कैसे। सेकंड चैप्टर में हमने फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर लिए हैं। आज सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्टीशन यानी भाग चार होगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन क्लासेस को अटेंड करें, ये आपके प्रीलिम्स और संविधान पर, भारतीय राज्य व्यवस्था पर आपकी पकड़ को मजबूत बनाएगा, जिससे आप एम लक्ष्मीकांत की जब क्लासेस करेंगे तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, है ना। और सीधे आप बड़ी किताब में कूद जाओगे तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा और प्रीलिम्स बार बार फेल होता रहेगा। ओके, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी ज़रूर करनी है। पहला चैप्टर संविधान क्यों कैसे हम कर चुके हैं। आज संविधान में अधिकार का सेकंड पार्टीशन है, अर्थात डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। चूंकि लंबी क्लास हो जाती है दो ढाई घंटे की, तो देखने में देखो 40-50 मिनट एक घंटे तक देखने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो दो तीन तीन घंटे की क्लासेस थोड़ा सा बोरिंग करते हैं। तो इसलिए हमने पार्टीशन कर दिया है कि मोस्टली 1 घंटे 10 मिनट 20 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटे 30 मिनट की क्लास होगी। तो इसलिए हमने सेकंड चैप्टर को दो सेगमेंट में कर लिया है। पहले सेगमेंट में हमने भाग तीन को कर लिया था, और सेकंड सेगमेंट अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये संविधान का भाग चार है। और 36 से 51 तक हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो दिए गए हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने 12 से 35, ठीक है, भाग तीन मौलिक अधिकार, ये वाला चैप्टर देखा था, है ना। ये दूसरे का सेकंड पार्ट है। अब देखो संविधान निर्माताओं, देखो समस्या डीपीएसपी संविधान में रखने का क्या कारण रहा। जिस समय देश स्वतंत्र हुआ ना, उस समय देश के सामने बहुत सारी समस्या थी। संप्रदायवाद से निपटना था, गरीबी से निपटना था, जातीय असमानता को दूर करना था, तो स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये संविधान निर्माता, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख लोग जानते थे, है ना। सभी नागरिकों में समानता लाना, सबका कल्याण करना एक बहुत बड़ी बात होती है, इतना बड़ा देश। और अंग्रेज जब भारत को छोड़ करके गए ना, तो इतनी खस्ता हाल में छोड़ के गए कि हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, है ना। तो जब संविधान सभा बैठी, संविधान को बनाया, तो हमने कुछ ऐसी बातों को जिनमें हम सीधे सीधे राय नहीं ले बना सकते थे, सीधे सीधे कानून नहीं बना सकते थे, उनको हमने आर्टिकल 36 से 51 अर्थात भाग चार में रख दिया कि जब सरकार स्टेबल हो जाएगी, जब नागरिक चीजें समझने लगेंगे, समानता की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे, तो कुछ ऐसे निर्देश होंगे जो समस्याओं को हल करने के लिए समय समय पर आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो उसी लिए डीपीएसपी को भारतीय संविधान में रखा गया, है ना। ये उसी प्रकार है जैसे आप तैयारी करते हो और कुछ सपने आपके ऐसे हैं जो आप छोड़ देते हो और ये कहते हो कि जब आईएएस बन जाएंगे या पीसीएस बन जाएंगे तब इन सपनों को पूरा करेंगे। कहीं घूमने जाने का प्लान हो या पार्टी करने का प्लान हो तो आप ड्रॉप करते जाते हो। तो उसी तरह संविधान निर्माताओं ने भी कुछ चीज़ों को त्वरित लागू करना ठीक नहीं समझा, समय के हिसाब से आने वाली सरकारें उनको लागू करेंगी और समस्याओं का समाधान करेंगी। इसलिए डीपीएसपी का खंड बनाया गया भारतीय संविधान में। ओके, और यही भारतीय संविधान को अनूठा बनाता है। तो सभी नागरिकों में समानता लाना, सबका कल्याण करना बहुत बड़ी चुनौती थी, है ना। उनके अनुसार इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी थे, लेकिन वही संविधान इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहती थी। जैसे डीपीएसपी है, वो बाध्यकारी नहीं है किसी भी सरकार के लिए, लागू करे अन्यथा ना करे बाध्यकारी नहीं है, लेकिन मौलिक अधिकार को लागू करना ही पड़ेगा, वो बाध्यकारी प्रोविजन था। और अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन अगर डीपीएसपी का हनन होता है, कोई सरकार इन निर्देशों को लागू नहीं करती, तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता। तो सबसे मेन पॉइंट यही है, आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा देता है, वही परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में दी गई है राज्य के संबंध में, ठीक है। आर्टिकल 36 आर्टिकल 12 सेम है, और उसके बाद संविधान प्रवत्त नहीं कराया जा सकता ये बताता है। तो संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया है,
लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई, अर्थात न्यायालय जाकर के आप उनको जबरदस्ती लागू नहीं करा सकते। तो इसका मतलब यह हुआ, यदि सरकार निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर मांग नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है ना कि हम न्यायालय में जाकर उनको मांग नहीं कर पाएंगे। जैसे मौलिक अधिकारों के लिए आर्टिकल 32 का सहारा लेते हैं और उसे आदेश दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, इसलिए कहा जाता है कि नियम निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है या लागू करने योग्य नहीं है। अर्थ यह है कि संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। वह संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है, ठीक है, एथिकल पावर, वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले और इसी के आधार पर कोई सरकार चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी, चुनाव लड़ेगी, वादे करेगी, उन वादों को पूरा करने के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए उन पर काम करेगी। सिंपल सी बात है। अभी देखो जैसे जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव हुआ विधानसभा का, बहुत तरीके वादे किए गए, कितने वादे पूरे होते हैं तो 5 साल में देखेंगे। अभी सेकेंड महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा का चुनाव है नवंबर में, 23 नवंबर तक संभवतः रिजल्ट भी आ जाएगा, वहां भी वादा पर होगी। लेकिन अब डेवलपमेंट के नाम पर कम, धर्म के आधार पर चुनाव ज्यादा लड़े जाते हैं, है ना, ये संप्रदाय वो संप्रदाय, जातिगत बातें, ये सारी चीजें यही है। डेवलपमेंट, रोजगार, गरीबी, ये शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दे सब पीछे चले गए हैं, है ना। और वर्तमान में हमें मजा भी इन्हीं चीजों में आता है। हम लोग क्या करते हैं, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड की रील में आपको लगता है कि आपको नॉलेज मिल गया, उस रील को आप शेयर करते रहते हो, दिन भर यही काम, कब समय बीत जाता है आपको पता नहीं चलता, ठीक है, घंटे से दिन, दिन से रात, दिन से कई दिन, महीने, साल, कब निकलते चले गए हमको पता ही नहीं लगा। और एजुकेशन को हम मान बैठे हैं कि चलो पढ़ लेंगे, हो जाएगा, नहीं, एजुकेशन को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और अपने मन मस्तिष्क में धारण करना पड़ेगा, तब ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो सरकार गंभीरता से ले, इसके अलावा वे समझते थे कि जनता उन्हें लागू कराने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी, अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई, उसी सूची को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब निर्देशक तत्व तो क्या है ना, इनको समझने के लिए 3 प्रमुख बातें जानना बहुत जरूरी है। अब वो कौन कौन सी बातें हैं, पहली बात है वे लक्ष्य और उद्देश्य जो समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। कुछ लक्ष्य दिए गए हैं, कुछ उद्देश्य दिए गए हैं जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करना है और उन्हीं उद्देश्यों को हम लागू करने के लिए इनको इसमें डाल देते हैं, तो उन लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करना है। दूसरा, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, ठीक है, तो दूसरी बात हमने ये कह दी। तीसरी, वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करनी चाहिए। तो 3 प्रमुख बातें निर्देशक तत्व के रूप में है। पहला, वे लक्ष्य और उद्देश्य जो किसी भी राज्य व्यवस्था में उसके समाज के रूप में हमें स्वीकार होना चाहिए वो है। दूसरा, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए, जैसे रोजगार की बात करनी चाहिए, काम की बेहतर दशाओं की बात करनी चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात होनी चाहिए, समान नागरिक सिविल संहिता की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, पर्यावरण की बात होनी चाहिए, तो ये मौलिक अधिकारों के इतर हैं और ये भी हमें मिलने चाहिए। और वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करनी चाहिए, वे पॉलिसीज जिनमें सरकार इन नीतियों को लागू करे और आगे बढ़ाए समाज को, देश को, ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत कल्पना का आभास हो जाएगा, यानी हमें अनुमान हो जाएगा कि नहीं वो क्या चाहते थे। समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है, जैसे जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेजेस का कानून, कुटीर एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि, इन प्रयासों को दर्शाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, जैसे आर्टिकल 21, ये पहले क्या था, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का नीति निर्देशक तत्व ही था। पंचायत सिस्टम आर्टिकल 40 में नीति निर्देशक तत्व था, जिसे 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया, है ना। 1969 में कुछ बैंकों, 14 बैंकों को, बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, फिर 1980 के दौर में किया गया, लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए MSP कानून बने, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए बहुत सारे अधिकार आए,
उसके बाद जमींदारी उन्मूलन, मजदूर न्यूनतम वेजेस का कानून। तो इस तरह अभी जैसे समान नागरिक सिविल संहिता की बात चल रही है आर्टिकल 44 को लागू करने की, तो ये कहीं ना कहीं समय समय पर बहुत सारी सरकारें आईं जिन्होंने लोक कल्याण को प्रोत्साहन दिया और ये सारे जो निर्देश थे उनको कानून के माध्यम से लागू कराने का प्रयास किया। बात समझ में आ गई। अब आगे क्या होता है, रोजगार गारंटी काम के अंतर्गत सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की शिक्षा, तो ये सारे अधिकार दिए गए। अब उसी तरह कुछ और चीज़ें हैं जैसे जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं, आर्टिकल 4A भाग 4A आर्टिकल 51A। अब ये भी बाद में जोड़ा गया, हमारे संविधान निर्माताओं ने मूल कर्तव्यों का स्थान नहीं दिया था, वे जानते थे कि भारतीय लोग हैं अपने कर्तव्यों को तो जानेंगे ही, लेकिन हम भारतीय हैं भाई भूल गए। अब भूल गए तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया, संविधान में संशोधन किया गया और DPSP के बाद एक नया खंड बनाया गया, नया भाग बनाया गया और वो बन गया 4A मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य मूल रूप से सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर आधारित हैं और ये रशियन संविधान से कह सकते हो लिए गए हैं या उनसे कहीं ना कहीं उनसे बिलोंग करते हैं, जैसा फंडामेंटल राइट्स हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लेते हैं, तो उसी तरह मौलिक अधिकारों का जिक्र रशियन संविधान में है, रूस के संविधान में या सोवियत संघ के संविधान में हमने वहीं से स्वीकार कर लिया। तो वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया। अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की भी एक सूची दी गई, कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख है। बाद में 2002 में 11वां कर्तव्य बढ़ा दिया गया और लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। जैसे भाग 4 में संविधान मौन है उसी तरह भाग 4A में संविधान मौन है। नागरिक के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी को भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, इस तरह के मूल कर्तव्य दिए गए हैं। परंतु यह ध्यान देने की बात है संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता कि भैया मौलिक कर्तव्यों का पालन करोगे तभी फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। नहीं, मौलिक कर्तव्य अधिकार अलग चीज है, मौलिक कर्तव्य अलग चीज है। इस दृश्य से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? मतलब कहने का इतना है कि मौलिक अधिकार आपको मिलेंगे, चाहे आप मौलिक कर्तव्यों का, चाहे आप बंधुत्व को बढ़ाने का प्रयास करें अथवा ना करें, भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करें अथवा ना करें, पर्यावरण की रक्षा का प्रयास करें अथवा ना करें, संविधान को माने अथवा ना माने, विरोध नहीं कर सकते आप, वरना कानूनन आप पर क्या किया जाएगा, शिकंजा कसा जाएगा। हाँ, मानना नहीं मानना ये आप पर डिपेंड करता है। तो मौलिक कर्तव्य एवं ही दे दिए गए, भारतीय संविधान में बता दिए गए कि हम भी हैं और हमें भी कभी कभी ध्यान दे लेना। इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं कि मौलिक अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों को लागू कराया जाएगा, ठीक है। ये सेम DPSP की तरह है। तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर आधारित है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भाग 4A में रखे गए हैं, आर्टिकल है 51A। ओके, कहाँ पहुंचे, क्या समझे? ऐसा अनुमान है भारत में लगभग 30 लाख लोग बेघर हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास योजना दो प्रकार की है, एक शहरी है और एक ग्रामीण, इनके माध्यम से इनको आवास देने का काम किया जा रहा है। तो मतलब ये भी लग गया, बेघर हैं 5% लोग, रात को सोने की जगह भी नहीं है, सैकड़ों बूढ़े बीमार बेघर लोग, भूखा जाड़े में शीतलहर में मृत्यु हो जाती है, निवास प्रमाण पत्र न दे पाने के कारण राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र नहीं मिल पाते हैं इनके, इसके अभाव में उन्हें जरूरतमंद मरीजों के रूप में सरकारी मदद भी नहीं मिल पाती। एक बड़ी संख्या में लोग दिहाड़ी मजदूर हैं जिन्हें बहुत कम मिनिमम वेजेस से भी कम मिलता है, वे मजदूरी की तलाश में देश के विभिन्न शहरों में आते हैं, ठीक है। इन तथ्यों के आधार पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजें और निम्न बातों का उल्लेख होना चाहिए, बेघर लोगों का आदेश देने की कृपा करें कि सरकार इनके लिए काम करें। देखो, एक तो जिनके पास घर नहीं उनको पक्का मकान देने की बात सरकार कर रही है और दे भी रही है ना। उसके अलावा निवास प्रमाण पत्र की बात चल रही है, आधार कार्ड के रूप में वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया, तो जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनका काम हो जाएगा। मिनिमम वेजेंट को कड़ाई से लागू करने की बात की जा रही है। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, बस स्लो हो रही हैं, हमारे देश में सब कुछ स्लो होता है।
उसके बाद नीति निर्देशक तत्व तो यानी डीपीएसपी और मौलिक अधिकारों में संबंध क्या है। देखो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनको एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में इस बात का जिक्र किया है, जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, है ना, वहीं नीति निर्देशक तत्व तो उसे कुछ करने की प्रेरणा भी देते हैं। अब जैसे उद्देश्य क्या है नीति निर्देशक तत्वों का, देखो प्रस्तावना में हमने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करी है, तो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय में क्या हो जाएगा, समानता की बात करना, स्वतंत्रता की बात करना, है ना, भोजन की बात करना, स्वास्थ्य की बात करना, पर्यावरण की बात करना, तो वो सोशल जस्टिस हो जाता है। इकोनॉमिक न्याय की जो संसाधन है उन पर सभी का समान स्वामित्व है, तो किसी भी संसाधन को किसी विशेष व्यक्ति के लिए न रख करके सभी को समान रूप से बांटना। दूसरी बात न्यूनतम वेजेस का जैसे कानून है और कंपनी अधिनियम के तहत बहुत सारे प्रावधान हैं, तो वो आर्थिक समानता की बात करते हैं। राजनीतिक न्याय की बात, जब राजनीतिक न्याय की बात आती है तो राजनीतिक न्याय का मतलब सभी को राजनीति के रूप में समान अधिकार दिए जाएं, और जैसे 18 साल के प्रत्येक व्यक्ति को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट करने का अधिकार, 24 साल का हो जाएगा, 25 साल का होते ही उसे लोकसभा इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार, 18 साल में पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है, 30 साल का हो जाता है तो उसे राज्यसभा और विधान परिषद का इलेक्शन लड़ने का अधिकार होगा, 35 साल का होगा तो उसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनने का अधिकार होगा। तो ये सब क्या हैं, राजनीतिक अधिकार हैं। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, यानी जो हाशिए पर स्थित समुदाय है उसके जीवन स्तर को बेहतर बनाना, ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण करना, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, है ना। अब ये तो उद्देश्य हो गए, उसके बाद नीतियां क्या क्या हैं, जैसे समान नागरिक संहिता, ठीक है, यानी हमारे यहाँ जो दो प्रकार के कानून हैं, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल, ठीक है। अब सिविल मामले वो होते हैं जैसे मान लिया तलाक है, विवाह है, पारिवारिक बहुत सारे चीजें होती हैं, है ना, धर्म के मामले में धर्म का मामला वहां बन जाता है, जाति के आधार पर तो विवाह वगैरह सब अपने अपने आधार पर करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे कानून जैसे शरीयत अलग कुछ कहती है, मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड अलग कुछ कहता है, हिंदुत्ववादी संगठन अलग कुछ कहते हैं, तो समान नागरिक संहिता का मतलब जैसे क्रिमिनल कानून सबके लिए समान है उसी तरह सिविल कानून भी सबके लिए समान होना चाहिए, तो वही है समान नागरिक सिविल संहिता। किसी को किसी विशेष अवस्था में ट्रीट न करते हुए सीधे कानून के द्वारा उसको ट्रीट करना कि तलाक चाहे मुस्लिम औरत ले या मुस्लिम पति ले या फिर हिंदू पति ले या हिंदू पत्नी ले, ईसाई, कोई भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो, सब कानून के माध्यम से ही ट्रीट किए जाएंगे। मद्यपान का निषेध यानी मदिरा का निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, ये नीतियां हैं, है ना। इनमें इसको छोड़ करके ज़्यादातर चीज़ों को लागू कर दिया गया है। मद्यपान निषेध का कई राज्य सरकारों ने इसे लागू किया है, बिहार सरकार ने इसे लागू किया है, गुजरात सरकार ने और भी बहुत सारी सरकारों ने इसको समय समय पर लागू किया, किसी ने हटा दिया तो कोई ने अभी रखा है। ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, जैसे पर्याप्त जीवन व्यापन का अधिकार, महिलाओं और पुरुषों को समान काम के लिए समान मजदूरी, है ना, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और देखरेख का अधिकार, ये सारे अधिकार हैं जिनका हम कानूनन कुछ नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को लागू करने का प्रयास सरकार समय पर करती है। और यही अपने जब एजेंडा प्रस्तुत करती है, जब अपना पोर्टफोलियो प्रस्तुत करती है इलेक्शन के दौरान, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लागू करने की बात करती है कि हम जब सत्ता में आएंगे तो उनको लागू करने का प्रयास करेंगे, है ना। दूसरी बात क्या कह रहा था, दूसरी बात कह रहा था मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, यानी ये क्या है, इंडिविजुअल हैं, पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं, है ना। अब जैसे स्वतंत्रता की बात करते हैं तो मेरी स्वतंत्रता, आपकी स्वतंत्रता, लोगों की स्वतंत्रता, लोगों में समानता, लेकिन जब नीति निर्देशक तत्वों की बात आती है कि समान नागरिक सिविल संहिता किसी इंडिविजुअल व्यक्ति पर थोड़ी लागू करेंगे, मिनिमम वेजेज का कानून किसी इंडिविजुअल व्यक्ति पर थोड़ी लागू किया जाएगा, ये पूरे समाज की बात करेगा,
पूरे समाज में, पूरे देश में, जैसे एक देश एक राशन कार्ड सभी लोगों को मानना पड़ेगा, तो उसी तरह नीति निर्देशक तत्व तो पूरे समाज के हित की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी सरकार जब नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। और इस बात का तगड़ा 1951 संविधान में पहले से ही पैदा हुआ समस्या जब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला लिया, क्योंकि उस समय जो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार क्या था, मौलिक अधिकार था। तो सीधी सी बात है, जब जमींदारी उन्मूलन किया जाएगा तो बहुत सारे लोगों की संपत्ति को सरकार छीनेगी और दूसरों में बांटेगी, तो इस आधार पर बहुत सारे विवाद हुए और जमीनी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। इसके विरोध इस आधार पर किया गया कि इससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, लेकिन यह सोचकर सामाजिक आवश्यकताएं इंडिविजुअल हित से ऊपर हैं, सरकार ये नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया, है ना। लेकिन विवाद इसका सीधे सीधे होने लगा, इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई हुई। कार्यपालिका न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया, सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर देती, सुप्रीम कोर्ट ये कह देता कि भैया ये तो मूल अधिकारों का हनन है और आर्टिकल 13 के अनुसार उसको शून्य घोषित कर देती। समस्या 1973 तक ये चलती ही रही, फिर उसके बाद संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, ठीक है, 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों को श्रेणी से हटा दिया और इसको एक लीगल राइट बना दिया, आर्टिकल 300A में समाहित कर दिया, तो चीजें आसान हो गई। अब क्या हुआ, सरकार की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और सही भी बात है, जहां पर सर्वहित का भला हो तो वहां इंडिविजुअल राइट को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भैया मानने को तैयार नहीं था। इंदिरा गांधी जब सत्ता में आए तो उन्होंने एक एक करके भयानक संविधान संशोधन करना शुरू कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट तो भैया खार खाए बैठा था, तो वो क्या करता था, जब भी सरकार डीपीएसपी को लेकर के कोई कानून बनाती थी तो सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के हनन की बात करके उसको शून्य घोषित कर देता था। दिक्कतें ये बढ़ती ही रहीं। इसके पीछे यह धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार बाधक हैं। दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए इन्हें भी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अब सोचो क्या जाहिलियत वाली बात है, एक तरफ चार लोगों के अधिकार, एक तरफ 400 लोगों के अधिकार में क्या है। फिर जब देखो संपत्ति के अधिकार की बात की गई, मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों के मध्य उठे विवाद के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था कि मूल संविधान में संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन संविधान में स्पष्ट कहा गया कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, कभी कोई दिक्कत नहीं थी। तो 1950 से ही सरकार ने ऐसे कानून बनाए जिसे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार था। 73 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना, गोलकनाथ भारती में मूल ढांचे का तत्व माना था, और 1951 के मामले में भी, शंकरी प्रसाद मामले में भी यही विवाद हुआ, लेकिन केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को मूल ढांचे से बाहर कर दिया। तत्पश्चात क्या हुआ, संसद को संविधान में संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। 78 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्या किया, इसको मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल करके कानूनी अधिकार सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। तब से अधिकारों की संख्या 6 बची, पहले 7 हुआ करती थी। ठीक, तो एक घटनाक्रम हुआ, इससे एक और जटिल वाद विवाद को जन्म दिया। वह संविधान में संशोधन से संबंधित था। सरकार का मत था कि संसद संविधान में किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका का कहना था संसद ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो, यानी 368 बनाम 12 से 35, यहां पर विवाद का केंद्र बन गया कि भैया संसद का सीधा सा मानना था कि उसके पास असीम शक्ति है 368 के माध्यम से, वो चाहे तो संविधान के किसी भी प्रोविजंस में संशोधन कर सकती है, है ना, और कर भी रही थी। 73 में केशवानंद भारती वाद में चीजें स्पष्ट कर दी गई, मूल ढांचा की अपनी विशेषताएं बता दी गई, और ये बताया गया, स्पष्ट नहीं किया गया कि मूल ढांचे में क्या होगा क्या नहीं, कुछ चीजों को बता दिया गया कि हाँ ये हो सकता है।
तो संशोधन नहीं कर सकती। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण केस केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए निर्णय से समाप्त हुआ। इसमें निर्णय देते हुए न्यायालय ने कहा, संविधान की कुछ मूलभूत ढांचागत विशेषताएं हैं, संसद उनमें परिवर्तन नहीं कर सकती। इसे हम नवे अध्याय यानी संविधान एक जीवन दस्तावेज में विस्तार से पढ़ेंगे। पहले क्या होता था कि नवी अनुसूची एक थी, है ना, संविधान संशोधन करके लाई गई थी। इसमें क्या होता था, किसी भी सरकार को अगर आर्टिकल 13 से बचाना था ना, या आर्टिकल 226 या रिव्यू से बचाना होता, तो सरकार क्या करती, उसको संशोधन करके अनुसूची 9 में डाल देती। और 9 शेड्यूल ऐसा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता या इनमें इनकी रिव्यू नहीं कर सकता। 1973 तक ये विवाद भयंकर चले, है ना, संविधान में मौलिक अधिकार को लेकर, संपत्ति के अधिकार को लेकर के, DPSP को लेकर के, इस तरह के अधिकार कोई छोटी बात नहीं थी, लंबे चले। 1973 में जाकर के कम पड़ गए, है ना, चीजें बदल गई। उसके बाद कहाँ पहुंचे, छोड़ो, निष्कर्ष में आते हैं। अब महाराष्ट्र में क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबाराव फूले का नाम तो सुना ही होगा। 1827 में जन्म हुआ था, 1890 में उनकी मृत्यु। की रचनाओं में हमें सर्वप्रथम यह विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों निहित होनी चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह विचार और स्पष्ट हुआ तथा इस संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। हमारे संविधान में इस लंबी परंपरा को मौलिक अधिकारों की सूची के रूप में देखा जा सकता है। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट आई थी, इसमें भी मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया था, तो इसमें भी समानता और स्वतंत्रता की बात की गई थी। 1950 से न्यायपालिका ने अधिकारों के महत्वपूर्ण रक्षक के रूप में या कस्टोडियन के रूप में भूमिका निभाई। न्यायिक व्याख्याओं ने अनेक अधिकारों के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया। हमारी सरकार प्रशासन इसी परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं, अधिकतर सरकार के कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं और देश में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये है हमारा DPSP वाला पोर्शन। आगे थोड़ा बढ़ते हैं, प्रश्नावली में आते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक कथन के बारे में बताएं कि वह सही है अथवा गलत। अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल करने का वर्ण, अधिकारों का वर्णन रहता है। अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है। अब देखो, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, हर देश में हो जरूरी नहीं है। निम्नलिखित कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन करता है? किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, ठीक है, एक्सट्रीम शब्द लगा दिया गया, कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, ठीक है, ये हैं। संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, अगेन एक्सट्रीम वर्ड, और UPSC में जानते ही हो एक्सट्रीम वर्ड को हटा दिया जाता है, गलत मान लिया जाता है। तो ये वाला सही है, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार क्या हैं, मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन करते हैं। निम्नलिखित स्थितियों के बारे में पढ़ना है, प्रत्येक स्थिति के बारे में बताना है, किस मौलिक अधिकार का उपयोग या उल्लंघन हो रहा है, कैसे। राष्ट्रीय एयरलाइन के चालक, परिचालक दल यानी कैबिन क्रू को ऐसे पुरुषों जिनका वजन ज़्यादा है नौकरी में तरक्की दी गई, लेकिन ऐसी महिला सहकर्मियों को दंडित किया गया जिनका वजन बढ़ गया था। तो ये क्या है, समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। एक निर्देशक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है जिसमें सरकारी नीतियों की आलोचना है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है। यहाँ स्वतंत्रता की बात हो रही है, स्वतंत्रता को प्रमोट किया उसने। एक बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए लोग अपने पुनर्वास की मांग करते हुए रैली निकालते हैं, तो आर्टिकल 19 में प्रोविजन है शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है। आंध्र सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु के माध्यम के विद्यालय चलाती है, तो ठीक है, आंध्र प्रदेश सोसाइटी आंध्र प्रदेश में मान लिया तेलुगु भाषी बहुजन है, अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक हो सकते हैं, तो भैया भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान आर्टिकल 29-30 में किए गए हैं, कर सकते हैं। अगला, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या है, कौन सी है भाई, शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के ही बच्चे इस संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के ही बच्चे ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, सभी जा सकते हैं, बस इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए, बिल्कुल।
ठीक है, सरकारी विद्यालयों को देखो, वर्ग के बच्चों को उनके संस्कृत धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए, ये सरकारी विद्यालयों का काम नहीं है, सरकारी विद्यालयों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ये सब काम कहाँ होगा? अपने अपने विद्यालयों में। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं, उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं, सही है। भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक क्या मांग कर सकते हैं कि उनके बच्चे उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त किन संस्थाओं में नहीं पढ़ेंगे, ये मौलिक समानता के मौलिक अधिकार का हनन है, तो ये बात सही नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक ही बताना था ना, उसको मैं बता देता हूँ। देखो, सही सब होते हैं, ज्यादातर विकल्प सही होते हैं, लेकिन 100% होता है। अब यहाँ कहा गया है सरकारी, ये तो होगा नहीं, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे ही पढ़ाई कर सकते हैं, ये भी गलत है। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक बच्चों अपने विद्यालय खोल सकते हैं, उनके लिए इस विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं, ये बात सही है, है ना। इनमें से कौन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और क्यों? न्यूनतम देव मजदूरी नहीं देना, ये मौलिक अधिकार नहीं है, DPSP है, मिनिमम वेजेस। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना, हाँ, ये मौलिक अधिकारों का स्वतंत्रता का हनन है, लेकिन स्वतंत्रता एक्सट्रीम नहीं हो सकती। 9 बजे रात के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक, ये किया जा सकता है। भाषण तैयार करना, है ना, भाषण तैयार करना अलग चीज है। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बनता है, है क्योंकि स्वतंत्रता को फंडामेंटल राइट्स प्राप्त है, कोई अपनी बात को ये भी कर सकता है। ठीक है, तो 2 गलत है 2 सही है। गरीबों के बीच काम कर रहे कार्यकर्ता का कहना है गरीबों को मौलिक अधिकारों की जरूरत नहीं है, उनके लिए जरूरी यह है कि वे नीति निर्देशक सिद्धांतों को कानूनी तौर पर बाध्यकारी बना दिया जाए। क्या आप इससे सहमत है? उत्तर का कारण बताएं। अब देखो, उनका अपना एक ओपिनियन हो सकता है, मौलिक अधिकार बहुत आवश्यक है, नीति निर्देशक तत्व भी आवश्यक है, सरकार समय समय पर उनको लागू कराती है, है ना, लेकिन बाध्यकारी उनको नहीं बनाया जा सकता। मान लिया आपके पास संसाधन ना हो, अब आपकी पत्नी है और कह दे कि मुझे आज 5 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, और आपके पास 5 रुपए नहीं है, और तो ये बाध्यकारी वाली स्थिति हो गई कि भैया क्यों चाहिए, जो होगा उसी में तो गुजर बसर करोगे, हम चोरी करके तो लाएंगे नहीं। लेकिन अगर मौलिक अधिकार, अगर पत्नी कहे कि मुझे घूमने का मन है, तो आप उसकी स्वतंत्रता से उसे अनभिज्ञ नहीं कर सकते। ठीक है, वो कहे कि नहीं, मैं इस तरह के माहौल में नहीं रह सकती, मुझे आवश्यक दशाएं चाहिए, घर चाहिए, पक्का मकान, तो ये उसकी अपनी जरूरत है, तो वो कर सकती है, लेकिन 5 लाख रुपए मांग ले तो ये क्या हो। तो उसी तरह जो मौलिक अधिकार हैं वो गारंटीकृत हैं और वो आवश्यक हैं, आवश्यक इसलिए हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे ऐसे हैं नेचुरल राइट हैं, प्राकृतिक सिद्धांत हैं, और नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाना अपने आप में कम बजट में बहुत सारी चीज़ों की ही अपेक्षा करने लगना। अनेक रिपोर्टों से पता चलता है कि जो जातियां पहले झाड़ू देने का काम करने लगी में लगी थी, उन्हें मजबूरन यही काम करना पड़ रहा है। जो लोग अधिकार पद पर बैठे हैं वे इन्हें कोई और काम नहीं देते, इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने से हतोत्साहित किया जाता है। इस उदाहरण में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन हो रहा है, सॉरी 21 का 21A, है ना, समानता, स्वतंत्रता, सभी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी समाज पे, कोई भी कितने ऊंचे पर सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, समान कार्य के लिए समान वेतन जैसे मिलता है उसी तरह समान अवसर आर्टिकल 15 और 16 ये बताते हैं। और जो दिक्कतों में है उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मजबूर नहीं कर सकते आप किसी काम को करने के लिए, है ना, उसका मन होगा तो करेगा, ये कोई वो दास प्रथा थोड़ी चल रही है। एक मानवाधिकार समूह ने अपनी याचिका में अदालत का ध्यान देश में मौजूद भुखमरी की स्थिति की तरफ खींचा। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में 5 करोड़ टन से ज्यादा अनाज भरा हुआ था। सोच से पता चलता है अधिकांश राशन कार्डधारी या नहीं जानते कि उचित मूल्य की दुकानों से कितनी मात्रा में वे अनाज खरीद सकते हैं। मानवाधिकार समूह ने अपनी याचिका में अदालत से निवेदन किया वह सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने के आदेश दे। तो बिल्कुल कर सकता है भाई, लोग भूखे मर रहे हैं और 5-5 करोड़ टन अनाज भरा हुआ है, बाद में सड़ रहा है, तो उसको सुरक्षित करना है। कौन किसको अनाज देना है, किसको नहीं देना है, सरकार इस पर नियम कानून बना के उसको सख्त करे। हालांकि इसमें देखो लीकेज सिस्टम बहुत है राशन कार्ड में, और जब से ये आधार कार्ड वगैरह, मोबाइल नंबर, है ना,
जैम पोर्टल बन गया, तब से चीजें आसान हो गई हैं और लीकेज थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो तौलते हैं ना, कौन कोटेदार, वो कम तौलते हैं, है ना? 5 किलो तौलना है तो 4.5 किलो तौलते हैं, एक है ना? ये तो मैं देखता ही हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये उनके पास ये है। तो भैया वहां पर बहुत सेंधमारी होती है, चाहे जितने अधिकार दे दिए जाए, ये चोर चोरी करप्शन बंद नहीं होना है। क्यों नहीं बंद होना है? क्योंकि वहां जो लोग राशन लेने आते हैं, वो जूते उतार के उस कोटेदार को मारते नहीं हैं। उनको चाहिए कि एक जगह तौलने के बाद दूसरी जगह तौल करके देखें, अगर गलत पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन गांव को क्या है, गांव वाले बेचारे गरीब होते हैं, कुछ कर नहीं पाते, तो चीजें इस तरह हो जाती हैं। इनमें कौन कौन से अधिकार शामिल हैं, अधिकार आपस में किस तरह से जुड़े हैं? आर्टिकल 21, सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार, ठीक है? और कोई भी अगर भुखमरा है तो ये सरकार की गलती है, सरकार को सबको सम्मानित जीवन देना ही चाहिए। क्या ये अधिकार जीवन के अधिकार का अंग है? हाँ बिल्कुल है, आर्टिकल 21 में सहभागित है। इस अध्याय में उदृत सोमलाल लहिड़ी द्वारा संविधान सभा में दिए गए वक्त को पढ़ना है। क्या आप उसके कथन से सहमत हैं? यदि हाँ तो इसकी पुष्टिका कुछ उदाहरण दें, यदि नहीं तो सोमलाल लहिड़ी का आपको पढ़ना है, बताना है। आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? इसके प्रावधानों को संक्षेप में लिखें, तर्क देकर बताएं क्यों महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से आर्टिकल 14 सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद आर्टिकल 14 से 18 समानता, और 19 से 22 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि समानता की जब बात होती है ना, तो लोगों गरिमा के साथ जीवन व्यापन कर सकते हैं। जब सभी को समान समझा जाएगा, छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा नहीं होगी, सभी को समान अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का, सभी को सारी चीज़ों पे कंट्रोल करने का अधिकार मिलेगा, बोलने का अधिकार मिलेगा, जाने का अधिकार मिलेगा, प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता मिलेगी, पुलिस उनके साथ जातियाँ नहीं कर पाएगी, तो लोगों का जीवन बेहतर हो सकता है। तो समानता और स्वतंत्रता का अधिकार, ये नेचुरल राइट हैं, इनको नहीं छीना जा सकता किसी भी स्थिति में। कभी कुछ टाइम के लिए इनको कम किया जा सकता है बेशक, लेकिन इनको पूर्ण रूप से खत्म कर देना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होगा। तो इसलिए ये ऐसे अधिकार हैं जिन्हें हमेशा संविधान में होना ही चाहिए, और किसी भी सभ्य लोकतंत्र में ये अधिकार अत्यावश्यक हैं। ओके, तो आज ये क्लास यहीं खत्म करते हैं, है ना? अगला जो तीसरा अध्याय हम चलेंगे, चुनाव और प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। चूंकि इलेक्शन देश के किसी न किसी हिस्से में चलते ही रहते हैं, है ना, तो उसकी भी बात करेंगे। दूसरा, हम यही बार बार कह रहे थे कि देखो क्लासेस बड़ी पढ़ने से बहुत ज़्यादा विशेष फायदा नहीं है, फायदा इसमें है कि आप क्लासेस को कंप्लीट कितने टाइम में करते हो, है ना? और देखो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारी बातें आपको बताता हूँ, ठीक, लेकिन जब तक आप एस एन सी आर टी को घर में बैठ के नहीं पढ़ोगे प्लस लेक्चर नहीं देखोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। अगर आप इतने योग्य हो कि नहीं, हाँ बिना लेक्चर देखे पढ़ सकते हो, तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, आप किताबों से सारी चीज़ें तैयार कर सकते हो, है ना? तो इसके लिए आपको यही करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है, और जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हमें बताना, हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? आपकी हेल्प होगी तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी, तो आपकी हेल्प के साथ मेरी हेल्प हो रही है, तो दोनों का भला हो रहा है। तो इसलिए चीज़ों को ठीक से, आपका मोटिव होना चाहिए कि अच्छी तैयारी करें, अच्छा रैंक हासिल करें, अच्छा एग्ज़ाम लिखें, ठीक है? और मेरी ये होनी चाहिए कि मैं अच्छा कंटेंट आपको दूँ, अच्छी तरह से समझाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, मिलते हैं कल के नए सेशन में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।